मेरे ख्याल से तो हिटलर की औलाद है मोदी, उसे ना उसी को छोड़ दिया गया है। हिटलर के सेम जो हिटलर ने अपने टाइम पे बोला था वो मोदी जी कहते हैं। हिटलर कहता है मुझसे नफरत करो, आप जर्मनी से नफरत मत करो। रामलीला मैदान में के मोदी क्या कहता है, मोदी कहता है मुझसे नफरत कर लो, भारत से नफरत मत करो। खौफ एक हद तक होता है, वो खौफ आपने खत्म कर दिया, आप लाठी चार्ज कर लो, आप टीयर गैस फोड़ लो, आप गोली मार लो, खड़े हुए सीधे खा लेंगे गोली, मगर हमें ना आपसे आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी नहीं मिली ना तो इंसान वैसे ही सुसाइड करके मर जाएगा। हाथ जोड़ के पैर भरने के लिए तैयार है, आप ना रिजाइन कर दो, इस देश से चले जाओ। मैदान में वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता कि उनके बेस्ट फ्रेंड अमित शाह ने क्या बोला है। अमित शाह कुछ और बोलते हैं, मोदी कुछ और बोलते हैं। मोदी जी तो खैर शुरू से ही झूठे हैं, और अमित शाह का तो हमें 2002 का सबको कांड पता ही है, वो कहाँ से वहाँ से गुजरात से निकाले गए कैसे, जब हम लोगों को पता है, सबको पता है। और जितने भी हैं स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो जब भी यहाँ पर आ रहे हैं। कोई अनएजुकेटेड तो है नहीं, जो उनके भक्त हैं वो तो उनकी रैलियों में जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और वो पैसे दे दे के बेचारे बच्चों को ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं, 200-200 रुपये के वो गमछे बांध के कि भाई चलो मेरी रैली में। अगर उन लोगों को पता होता है ना तो वो लोग नहीं जाते, वो लोग अपने प्रदर्शनों करने के लिए यहाँ आते, वो अपनी आज़ादी के लिए यहाँ आते, उनकी भी कोई मजबूरी है। जब भी वो लोग पैसे लेके उनके लिए ना गमछा बांध के वहाँ पे जाने पड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं हम तो आपको वोट देंगे। ये जिन्हों की आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी है ना, जो उन्होंने पैसे दे दे के उन्हें इतना ज़्यादा कर दिया है कि नहीं भाई बस अब ना आपको मोदी की बात सुननी है, अगर आपने मोदी की बात नहीं सुनी तो आपके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये सिर्फ वो लोग हैं, और खैर भक्त भी अब तो उनके ना वो 250% बचे हैं उनके, इतने लोग हैं उनके बस, बाकी लोग तो उन्हें पैसे दे दे कि आप प्रोटेस्ट में बुला रहे हैं कि नहीं भाई हमारे है ना साथ में प्रोटेस्ट लगाओ, कि भाई CAA और NRC कोई गलत चीज़ नहीं है, ये हम आपके लिए अच्छे के लिए ला रहे हैं, और हमें दिख रहा है हमारा अच्छा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए। जो लोग ले चुके हैं हमें लिए आज़ादी, हमें दोबारा सड़कों पर आना पड़ रहा है कि नहीं हमें आज़ादी दो, हमें तुमसे आज़ादी चाहिए, हमें लिटरली तुम लोगों से आज़ादी चाहिए। नहीं मिली ना तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। कोई यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम, यही लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग उतरे में, और उन्हें पता है वो लोग क्यों कर रहे हैं, वो इनके अगेंस्ट में कर रहे हैं। उन्होंने तो दिखा दिया कि भाई मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम्स लोग गलत होते हैं, बट बाकी सब लोगों को पता है कि कोई गलत नहीं है, हम लोग सब भाई बहन हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको पता है, दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग, ये और हमारा राइट है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारा राइट टू स्पीच हमसे छीना जा रहा है। आप सेक्शन 144 कहीं भी इम्पोज कर देते हो, लोगों को लाठी चार्ज करके भगा देते हो, और सोचते हो हाँ भाई अब हमने लाठी चार्ज कर दिया है तो लोग वापस चले जाएंगे, अब नहीं उतरेंगे। आपने ना खौफ एक हद तक होता है, वो खौफ आपने ख़त्म कर दिया, आप लाठी चार्ज कर लो, आप टीयर गैस फोड़ लो, आप गोली मार लो, खड़े हुए सीधे खा लेंगे गोली, मगर हमें ना आपसे आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी नहीं मिली ना तो इंसान वैसे ही सुसाइड करके मर जाएगा। हम मैसेज ये देना चाहेंगे, हाथ जोड़ के पैर भरने के लिए तैयार है, आप ना रिज़ाइन कर दो, इस देश से चले जाओ। वर्ल्ड टूर आप कर चुके, आप वैसे भी गवर्नमेंट का पैसा दिख रहा है, वर्ल्ड टूर में जा जाके लोगों से और हाथ मिला मिला कर आ रहे हैं, आपको पता तो है नहीं यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या करना है, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, उनकी GDP कहाँ जा रही है। पहले आप GST ले आते हैं, फिर आप बस उन्हें ना कश्मीर, पाकिस्तान, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, मुस्लिम्स के वो दिख रहे हैं, मगर मुस्लिम्स लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं करा जब अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। हम लोग उस टाइम उठाते तो वो उसे हिंदू मुस्लिम का मसला बना देते, वो अब भी ट्राई यही कर रहे हैं कि वो उसे हिंदू मुस्लिम का मसला बनाए, मगर अब लोग इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, उन्हें पता है कि कोई हिंदू मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, और हम जब तक अब नहीं उतरेंगे तो हमें ना वही डिटेंशन सेंटर में मार दिया जाएगा, और हमारा फिर वहाँ पर क्या होगा, जेल से भी बदतर हालत है उनकी, और उसमें भी वो ये कहते हैं कि हमने कोई डिटेंशन सेंटर बनवाया ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो हिटलर की औलाद है मोदी, उसे ना उसी को छोड़ दिया गया है।
हिटलर के सेम जो हिटलर ने अपने टाइम पे बोला था वो मोदी जी कहते हैं। हिटलर कहता है मुझसे नफरत मत करो, मुझसे नफरत करो, आप जर्मनी से नफरत मत करो। रामलीला मैदान में आके मोदी क्या कहता है, मोदी कहता है मुझसे नफरत कर लो, भारत से नफरत मत करो। सेक्शन 144 इम्पोज हर जगह करने का पहले हिटलर करता था, मोदी कर रहा है, उसी का तो बच्चा हुआ। फिर ये वो झूठा था, ये झूठा है, सारे वो हिटलर वाले ही काम कर रहे हैं, हिटलर का ही शायद ये है। और इसे बता दिया ये निकलेगा सबसे बड़ा आतंकवादी, तो जो दूसरों को बताता फिर रहा है।